जहाँ अध्यापक युवा साथी अध्यापक उन्हीं के बीच में कुछ महिला भी जो अध्यापक का काम करती हैं, जिनको विद्यालय के अंदर होना चाहिए थे, जहाँ शिक्षा देनी चाहिए थी, आज वो जंतर मंतर पर यहाँ आकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ आई हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांग क्या है। मैडम आपका नाम? सुषमा खेमसरा, प्रांत प्रमुख राजाध्यापक संघ मध्य प्रदेश। आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांग तो सिर्फ एक ही है, शिक्षा विभाग में सविलियन। इस शिक्षा विभाग में सविलियन के लिए पिछले 20 सालों से हम हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं और शोषण हमारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है। हम कहने के लिए तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। हमसे काम उधर पंचायत से और नगरी निकाय से हमको नियुक्त किया जाता है और काम लिया जाता है हमसे शिक्षा विभाग का। और इसी शोषण से मुक्ति के लिए हम यहाँ पर आज जंतर मंतर में आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन पिछले 20 सालों से हमारा शोषण कर रही है। शिक्षा विभाग में होते हुए भी हमें पंचायत का और नगरी निकाय का माना जाता है। इसके अलावा हमारा मध्य प्रदेश शासन शिक्षा का निजीकरण करने के लिए जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा घोर अन्याय है हम लोगों के साथ में, अध्यापकों के साथ में। इसी शोषण से मुक्ति पाने के लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं और यहाँ से हम हमारे मध्य प्रदेश शासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि शीघ्र ही 5 सितंबर को हमारी शिक्षा विभाग की संविलियन की मांग को पूरा करें, अन्यथा हम यहाँ पर जंतर मंतर के रास्ते को जाम कर देंगे। हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बैठेंगे और हम हमारी मांगे को पूरी करवाएंगे। मैडम सम्मिलियन क्या है, ये सम्मिलियन क्या? एक्चुअल में देखा जाए तो यदि कोई अध्यापक है, शिक्षक है, तो वो शिक्षा विभाग का कर्मचारी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी को नगरी निकाय और पंचायत कर्मी का कर्मचारी मानकर वो काम ले रही है। तो हम चाहते हैं कि जब हम काम शिक्षा विभाग का कर रहे हैं तो हमें शिक्षा विभाग में क्यों नहीं लिया जा रहा है, शिक्षा विभाग में क्यों नहीं सविलियन किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर हम शिक्षा विभाग के सविलियन की मांग को लेकर ही आज हम सारे अध्यापक मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जाम करेंगे और हम हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। मध्य प्रदेश की शासन नहीं मान रही है, इसलिए आज हम यहाँ पर भोपाल में नहीं मान रही है, इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली आए हैं। अभी मैडम ने बताया कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जंतर मंतर पर समस्त फैमिली के सहित यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, तो आपकी मुख्य मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेके आप यहाँ आए हैं? हम शिक्षा विभाग में सविलियन होने के लिए यही मांग लेके आए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में सविलियन जिस प्रकार जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, उन्हीं की तरह हमको भी सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए, सारी सुविधा मिलना चाहिए, और हमको पंचायत का और नगरी निकाय का मानकर हमको वो सारी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। शिक्षा विभाग को भी दो भागों में बांटा गया है, वो दो विभाग कौन कौन से हैं? एक तो एक है, लेकिन वो हमको गुमराह करने के लिए वो बोल देते हैं कि आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, आप पंचायत कर्मचारी हैं और आप नगरी निकाय के हैं। ये बताते हैं, हम कुछ भी हम मांग रखते हैं उनके सामने तो वो हमको ये कह के वो टाल देते हैं। राज्य शासन के कर्मचारी नहीं मानते हैं और राज्य शासन के कर्मचारी नहीं होने के नाते हमें सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी की मांग ये है कि जो शिक्षा को दोहरी नीति में बांट रखा है और इनकी मांग है कि हम लोगों को सम्मिलियन कर दिया जाए, जो और शिक्षक विभाग में और शिक्षा अध्यापकों को जो सुविधा दी जाती है उसी प्रकार से हम लोगों को भी वही सुविधा देनी चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।